जीतेगा तो जिएगा फिल्म 23 फरवरी को रिलीज हुई और उसके बाद से इस फिल्म की जो हालत हुई है कि इसके मेकर सब अब माथा पकड़ के रोने लगे हैं, सर पीटने लगे हैं कि हमारी फिल्म के साथ ऐसा क्यों। पहले दिन जो इसको फायदा मिला उसकी वजह थी कि उस दिन सिनेमा लवर्स डे था तो फिल्म की टिकट महज 99 रुपए थी, तो लोगों ने भर भर के इस फिल्म को देखा और सारे शोज जो है हाउसफुल निकले। इस वजह से इस फिल्म ने 4 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। जी हाँ, उसके बाद इसको एसिड टेस्ट पे उतरना पड़ा जहां पर फिल्मों के जो प्राइजेस से टिकट के वो आम स्तर पे आ गए, यानी कि जो रेगुलर प्राइजेस होते हैं जैसे 200, 400, 500, 700 जितना भी कह लीजिए, उस स्तर पे आते ही लोगों ने इस फिल्म के साथ डील करना, मतलब इस फिल्म को देखना बिल्कुल ही जरूरी नहीं समझा। क्योंकि एक तो इस फिल्म का निगेटिव रिव्यू आया और निगेटिव रिव्यू आने की वजह है क्योंकि मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था और आप लोगों ने उसे देखा कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक्शन के दम पर कोई भी फिल्म चल नहीं सकती है। और इस फिल्म में एक्शन की मैंने बहुत तारीफ की, तारीफ इसलिए क्योंकि ऐसे हैरत अंगेज कर देने वाले एक्शन जो है आज से पहले नहीं देखे गए, अर्जुन रामपाल को इस तरह के नेगेटिव शेड में कभी नहीं देखा गया, प्लस ये सब सारी चीजें थी जो सिनेमाटोग्राफी थी फिल्म की, जो एक्शन का लेवल था वो बहुत ही जबरदस्त था। बावजूद इसके यह फिल्म इसलिए नहीं चली क्योंकि इसमें कहानी जो है पूरी तरह से ढीली पकड़ती नजर आई। एक ऐसी कहानी जिसपे कई मर्तबा फिल्में बन चुकी है, बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, कहानी में कोई नयापन नहीं। उस पर से अगर कहानी को अगर अच्छे से पेश किया जाए, उसका स्क्रिप्ट अच्छा हो, डायलॉग अच्छा हो तो वो भी थोड़ा चलता, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट का ढीलापन, कहानी का ढीलापन, डायलॉग्स बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार। उस पर से सबसे बड़ी बात कि इन सबको संभालने के लिए चाहिए होते हैं एक्टर्स जो अपने परफॉर्मेंस से जो है लोगों का दिल जीत ले, चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्यूटी हो या मॉडल, विदाउट एक्टिंग वो सिर्फ पोस्टर्स पे अच्छे लगते हैं या फिर रैंप शो में अच्छे लगते हैं, लेकिन सिनेमा के बड़े पर्दे पर लोगों को ऐसे एक्टर्स को नकार देते हैं। अब वक्त आ गया है कि बिद्दू जामवाल जहां पर प्रोड्यूसर बन चुके हैं, फिल्म निर्माता बन चुके हैं, उन्होंने इससे पहले IV71 और ये जो फिल्म प्रोड्यूस की क्रेक, इससे उनको भारी नुकसान हुआ है और वो समझ सकते हैं कि इससे उनकी एक्टिंग की फीस तो दूर, उनकी फिल्म की लागत भी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि अब उन्हें समझना होगा कि अब उन्हें ऐसी फिल्में बनानी होंगी जिसमें वो अपने एक्टिंग के जलवे को दिखा सके। अगर उनके अंदर एक्टिंग वाली बात है तो उन्हें एक्टिंग को अच्छे से दिखाना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्शन के दम पर उछल कूद कर तरह तरह की कलाबाजी दिखा करके कोई फिल्म रिलीज हो सकती है लेकिन हिट नहीं हो सकती है, ये मेरा कहना है। तो अब विद्युत जामवाल को समझना होगा कि उन्हें एक्टिंग करके दिखानी होगी, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, एक्शन के साथ एक्टिंग, जैसे अक्षय कुमार करते हैं एक्शन के साथ एक्टिंग और भी एक्टर्स है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने दो ब्यूटीफुल लेडीज को भी रखा, उनकी भी एक्टिंग एकदम से गई गुजरी है। तो ये सिर्फ भरपाई का काम करते हैं जो कॉन्टेक्ट पे जो चेहरा दिखा करके सोचते हैं कि फिल्मों में हासिल कर लेंगे, तो एक दो आइटम नंबर्स के लिए वो सही होते हैं क्योंकि वो डांसर्स है, वो एक्टर्स नहीं है। इसीलिए आज महज आलम यह है कि चौथे दिन इस फिल्म ने जो है महज 1 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि इस फिल्म का चौथा हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।